Yeah, he's got that. Easy, 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 easy! Oh my God! Chili! Oh my flipping! ये नजारा देखकर दिल दहल उठेगा। अगर पायलट ने जरा भी होश खोया होता तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। ये घटना है ब्रिटेन के हिथ्रो एयरपोर्ट की। ब्रिटेन के हिथ्रो एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान ब्रिटिश एयरवेज का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बचा। जिस वक्त विमान के पायलट ने एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश की, वहां कोरी तूफान की वजह से 90 मील प्रति घंटा यानी कि लगभग 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। वीडियो में नजर आ रहा है कि हवा में डगमगाता हुआ एयरबेस A321 का एक पहिया जैसे ही जमीन को टच करता है उसका संतुलन बिगड़ जाता है। पायलट विमान को संभालता है और दोबारा कोशिश करता है, हालांकि इस बार दोनों पहिए एक साथ जमीन को टच करते हैं और पहियों की रगड़ से धुआं उठने लगता है। बैलेंस नहीं बन पाने की वजह से प्लेन फिर हिचकोले खाने लगता है। प्लेन एक तरफ तेजी से झुकता है, तभी पायलट अपना इरादा बदलते हुए प्लेन को हवा में उड़ा ले जाता है, लेकिन इस दौरान विमान का पिछला हिस्सा रनवे को टच कर लेता है। गनीमत यह रही कि कोई गंभीर हादसा नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। यूजर्स आखिर वक्त में पायलट की सूझबूझ और विमान को दोबारा हवा में उड़ा ले जाने के फैसले की तारीफ कर रहे हैं। विमान में कितने लोग सवार थे फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन सभी लोग सुरक्षित हैं ये कन्फर्म है।